नमस्कार इकरा जी। नमस्कार अमरीश जी। इकरा जी, सबसे पहले तो बधाई आपको। समाजवादी पार्टी ने कराना लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित किया है आज। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह का माहौल आप कराना लोकसभा क्षेत्र में देख रही हैं अभी? देखिए, माहौल अभी जो मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ ही है, और हमें उम्मीद है कि जिस तरह की मेहनत हमारी 2 साल से लगातार लोगों के बीच में है, तो उसका हमें अच्छा परिणाम मिलेगा। आप, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूट गया, उसका जी इस चुनाव के परिणाम पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, पहले जो हमारा समीकरण था वो बहुत अच्छा था, और वाकई इससे एक झटका जरूर महसूस हुआ, लेकिन चुनाव के आते आते जो मोमेंटम बनता है उसमें हमें उम्मीद है कि जो भाईचारा बना था चौधरी चरण सिंह जी, जिस भाईचारे को हमेशा से देखना चाहते थे मजगर का, उसमें सबसे पहले मुस्लिम जाट का जो भाईचारा था वो मुझे लगता है अभी भी बरकरार रहेगा धरातल पे, और हमें भी आशीर्वाद मिलेगा उसमें। आप अभी भी संभावना व्यक्त कर रही हैं कि अगर आप इस खेती किसानी से जुड़े मुद्दे इस चुनाव में प्रभावी रहेंगे और जयंत चौधरी के भाजपा के साथ जाने का कुछ विशेष असर नहीं पड़ेगा? नहीं, मेरा ये नहीं कहना है। मेरा कहना यह है कि यहाँ पर एक गठजोड़ है जिसमें चौधरी साहब ने जान फूंकी थी, जो मुसलमानों का, यहाँ पर किसान मुसलमान भी हैं और भी बिरादरी के लोग हैं, तो वो आपस में वो जो तालमेल है वो बना रहेगा, और उस लिहाज से हमें भी फायदा होगा। अच्छा, खास तौर पर कहा जाता है कि भी किराना और अपने भी मुजफ्फरनगर, सामाजिक और व्यक्तिगत ताल्लुकात आपस में बन जाते हैं, जब आदमी समाज में रहता है, राजनीति में रहता है और घूमना फिरना होता है, तो व्यक्तिगत रूप से भी कई लोगों से, तो वो बहुत हुआ इस दौरान हमारा। हम सब ने इकट्ठे धरने दिए, इकट्ठे हम हर सभाओं में, शादी ब्याह में, हर जगह एक दूसरे के साथ मौजूद रहे, तो उसका भी बहुत प्रभाव रहता है। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, हमारा भी, हमें भी कुछ ना कुछ आशीर्वाद जरूर मिलेगा। तो जाट वोटरों पे आपका भरोसा कायम है अभी? जी बिल्कुल कायम है। मैं उनकी बेटी हूँ, उनके इलाके की हूँ, मुझे लगता है मुझे बिल्कुल जैसा आशीर्वाद लगातार मिलता रहा है आगे भी मिलेगा।